करते हैं ईथर। ईथर क्या होता है? क्लास 12 केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ईथर। ईथर होता क्या है? देखिए, जो ईथर होता है वह आर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उसमें टू एल्किल ग्रुप या तो एरिल ग्रुप अटैच्ड विद डाइवेलेंट ऑक्सीजन। इसका जनरल फार्मूला ROR होता है, और R एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप भी हो सकते हैं, एल्किल ग्रुप होते हैं। जैसे हम बात करते हैं CH3O CH3। देखिए, ये दोनों एल्किल ग्रुप हो गए, ये डाइवेलेंट ऑक्सीजन, मतलब एक ऑक्सीजन से दो एल्किल ग्रुप अटैच हुए हैं। और जैसे C2H5O C2H5 और CH3O C2H5। आइए इसका हम सिंपल नेम देखते हैं, इसे क्या कहेंगे? दो मेथिल है तो क्या लगाएंगे? डाइमेथिल ईथर, और इसका डाई एथिल ईथर, और इसका मेथिल है, ए एथिल है, तो क्या करेंगे? मेथिल एथिल ईथर। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे नामक्लेचर ऑफ ईथर। नामक्लेचर ईथर का कैसे करते हैं? देखिए, ईथर आर रिगार्डेड एज द एल्कॉक्सी ग्रुप। ईथर जो होते हैं कि एल्कॉक्सी ग्रुप्स होते हैं, इसका नामक्लेचर करना है तो सबसे पहले देखेंगे इसमें नंबर ऑफ कार्बन। देखिए, जैसे कि ये होता है, देखिए इधर एक कार्बन है, ये कोई ईथर है। इधर देखते हैं कार्बन की संख्या इधर, जिधर कार्बन की संख्या कम होगी उधर हम ऑक्सी लगा देते हैं, और इसके बाद हम एल्केन का नामकरण कर देते हैं। जैसे देखिए, इसका सिंपल नेम तो हो जाएगा डाई मेथिल ईथर। अब बात आती है इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाए। देखिए, आईयूपीएसी नेम लिखने से पहले हमें यह देखना होगा कि कार्बन की संख्या कितनी है। देखिए, कार्बन की संख्या दोनों तरफ एक है, मतलब समान है, तो किसी को या तो एक एल्केन बना दीजिए, एक ईथर के जिसमें एल्कॉक्सी लगाते हैं कार्बन की, जिसमें संख्या कम हो। जैसे ये मेथिल हो गया, ये भी मेथिल है, तो इधर लगा देंगे हम मेथॉक्सी मेथेन। अब दूसरा देखेंगे, दोनों साइड एथिल है, तो इसे क्या लिखेंगे? सिंपल नेम इसका होगा डाई एथिल ईथर, और आईयूपीएसी नेम इसका कैसे लिखेंगे? एथॉक्सी एथेन। जिधर लेक नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसके साथ ऑक्सी लगाकर उसके बाद एल्केन का नाम लिख देते हैं। देखिए इधर, और लिखेंगे कैसे? अल्फाबेट कर लिखते हैं। इधर देखिए मेथिल है, इधर देखिए एक कार्बन, इधर एक दो तीन कार्बन है, इधर कार्बन की संख्या कम है, तो कार्बन की संख्या जिधर कम है उसके साथ ऑक्सी लगा देते हैं आईयूपीएसी लिखते समय। और ऐसे सिंपल नेम लिखना हो तो इसे लिखेंगे मेथिल, कितने कार्बन है? तीन कार्बन है, तो N तीन कार्बन के लिए प्रोप होता है, प्रोपिल ईथर। अब इसका आईयूपीएसी लिखना हो तो कार्बन की संख्या इधर कम है इधर ज्यादा है, तो जिधर कम है उसके साथ ऑक्सी लगा देते हैं, इसका क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी, ये कितने कार्बन है? तीन, तो एल्केन क्या हो जाता है तीन कार्बन के लिए? प्रोपेन। अब इसके बाद हम बात करते हैं C6H5OCH3। अब इसका सिंपल नेम पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मेथिल फेनिल ईथर, और आईयूपीएसी नेम लिखना हो तो देखेंगे कार्बन की संख्या किधर कम है। देखिए, इसमें कार्बन की संख्या कम है, इसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है, तो इधर कार्बन की संख्या कम है उसमें हम ऑक्सी लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका?
मेथॉक्सी, और इसके बाद C6H5 को क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी बेंजीन। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें CH3OCH CH3CH3। देखिए इसमें इसका पहले सिंपल नेम लिखेंगे, इसे क्या कहेंगे, मेथिल मेथिल, और कितने कार्बन है, तीन कार्बन है, मेथिल और प्रोपिल ईथर और आईयूपीएसी। आईयूपीएसी नेम इसका क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या इधर कम है, इधर एक कार्बन है, इधर तीन कार्बन है, जिधर कार्बन की संख्या कम होगी उसके साथ ऑक्सी लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, और इसे क्या कहेंगे, मेथॉक्सी प्रोपेन। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर को बनाते कैसे हैं, पहला होता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके। यदि एल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया जाए H2SO4 की उपस्थिति या तो H3PO4 की उपस्थिति में, तो हमें एल्किन भी प्राप्त हो सकता है, ईथर भी प्राप्त हो सकता है। रिएक्शन H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन पर हो तो हमें एल्किन प्राप्त होगा, यदि 413 केल्विन पर हो तो हमें ईथर प्राप्त होगा। देखते हैं जैसे CH3CH2OH, जब इसका हम डिहाइड्रेशन करते हैं, देखिए डिहाइड्रेशन किसकी उपस्थिति में करेंगे, H2SO4 की उपस्थिति में और 443 केल्विन पर करते हैं तो हमें एल्किन प्राप्त हो जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया आपका एल्किन। इसके बाद H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन पर किया गया तो हमें एथॉक्सी एथेन प्राप्त होगा, C2H5O C2H5, इसे क्या कहेंगे, एथॉक्सी एथेन। अब इसके बाद हम बात करते हैं मैकेनिज्म क्या होता है इसका। देखिए मैकेनिज्म में सबसे पहला मैकेनिज्म इसे प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इसका प्रोटोनेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन के बाद लेस नंबर ऑफ प्रोटॉन, सबसे पहला काम हमारा इसका है प्रोटोनेशन करेंगे। इसका देखिए जब हम प्रोटोनेशन करते हैं तो क्या होगा, CH3CH2OH प्लस आयन गिव्स आउट। देखिए जब इसका हम प्रोटोनेशन कर लिए तो क्या CH3CH2OH फिर इसे एक बार करेंगे तो इसमें से वाटर के अणु बाहर निकल जाते हैं। देखिए जब वाटर के अणु बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा CH3CH2 प्लस आयन। अब दूसरा नंबर क्या आता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का निर्माण कैसे होगा, देखिए जब ये प्लस आयन इस पर अटैक करते हैं एथिल अल्कोहल, मतलब CH3CH2OH इस पर अटैक करेंगे CH3CH2 प्लस। देखिए अब कार्बोकैटायन का निर्माण कैसे होगा, CH3CH2O यहां पर हो जाएगा आपका H, CH3CH2 यहां से कार्बोकैटायन का निर्माण हो गया। फिर उसके बाद तीसरा इसमें होता है लेस नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन का लास कैसे करेंगे, देखिए इसमें लेस नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे करेंगे, देखिए
गिव्स आउट लेस नंबर ऑफ प्रोटॉन जब इसका होगा तो इसमें हमें प्राप्त हो जाएगा CH3 CH2 O CH3 CH2। देखिए हमें यही प्राप्त हो गया एथा विलियमसन सिंथेसिस द्वारा हम कैसे प्राप्त करेंगे ईथर। देखिए जो विलियमसन सिंथेसिस द्वारा ईथर प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले एल्कॉक्साइड को सोडियम एल्कॉक्साइड को यदि एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करा दें सोडियम एल्कॉक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करा दें तो हमें ईथर प्राप्त हो जाता है। देखिए ये आपका होगा सोडियम एल्कॉक्साइड क्योंकि जहां पर ईथर लगा होता है उसमें जहां कार्बन की संख्या कम होती है उसमें ऑक्सी जोड़ देते हैं तो ये हो गया सोडियम एल्कॉक्साइड रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड आर में भी एल्किल ग्रुप गिव्स आउट ईथर। ये आपका हो गया ईथर, ये आपका हो गया सोडियम हैलाइड। इसके बाद देखिए जैसे यहां एल्किल ग्रुप लगा है उसी तरह से यहां पर एल्किल कोई लगा देते हैं जैसे CH3 CH2 Br मतलब एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथॉक्साइड। देखिए एथिल ब्रोमाइड ये हो गया सोडियम ब्रोमाइड सोडियम एथॉक्साइड के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो हमें एथॉक्सी एथेन प्राप्त हो जाता है। उसी तरह से